हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपी पुलिस 41,520 पदों के लिए जो मेडिकल चल रहा है प्रोसेस, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि मेडिकल में कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं और री मेडिकल वाले क्या करें, री मेडिकल से कैसे बचें। और ये जो पूरी जानकारी है ये सिविल और पीएससी दोनों कैटेगरी के बंदों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, यह बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और इससे होगा क्या कि मेरी जो भी अपडेट्स होगी, नई वीडियो होगी, वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी और हमेशा आप अपडेट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बात करते हैं मेडिकल में कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो मेरा रायबली डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो यहाँ पे जो मेडिकल 8 तारीख को हुआ था उसमें यहाँ पे 100 में से 7 बच्चे यहाँ पे फेल हो गए थे, जिसमें से एक बच्चा एबसेंट था। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं यहाँ पे 7% तो मेरे यूपी का था, मेरे रायबली का था। बट अगर बात करते हैं यही दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ तक बुलंदशहर के मुझे न्यूज़ पता थी, वहाँ पे 63 बच्चों का मेडिकल हुआ था और 63 में से 22 वहाँ पे फेल हुए थे। तो ये 22 जो फेल हुए वो किस में फेल हुए थे, इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे थे वो फ्लैट फुट और नोकनी। फ्लैट फुट और नोकनी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। आप अन्य अभिनय तक नहीं देखा तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो इस दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा बच्चे जो बाहर हुए हैं, फ्लैट फुट और नोकनी में। और थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो वहाँ पे आइज़ की आती है कि 6x6 नहीं तो 6x9 कम से कम होनी ही चाहिए। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसमें आ जाती है बच्चों को। तो ये तीन कारण थे जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। तो आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इस मतलब रीमेडिकल से बचना है जैसे आपको, तो क्या करना है आपको, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, हल्का सा भी आपको दिक्कत होती है कि आँखों से थोड़ा ब्लर होता है, आँखों से थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है, तो आपको वहाँ पर जब मेडिकल हॉल में जाइएगा तो आपको वहाँ पर करना क्या है मैं वो बता रहा हूँ। आप वहाँ पर जो बच्चे होंगे आपके भी साथ होंगे, 2-4, 10-5 बच्चे होंगे, तो आप उनसे बातें मत कीजिएगा वहाँ पे। उनसे ये मत बोलिए कि मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है, मुझे धुंधला दिखाई देता है, या फिर मेरे पैर में दिक्कत है। तो वहाँ पे इस चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत बोलिएगा ऐसा कुछ जिससे आपके अजीब सी अंदर से धड़कन होने लगे, अजीब सा महसूस करने लगे और आपका बीपी बढ़ जाए, क्योंकि कहीं कहीं पे ब्लड प्रेशर भी चेक किया गया है मेडिकल में। तो आपको ऐसे कोई नौबत ना आए तो आप ज़्यादा वहाँ पे बात मत कीजिए, बिल्कुल नॉर्मली जाइएगा और अपने बिल्कुल लूज़ कपड़े पहन के जाइएगा। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि मेडिकल के लिए जा रहे हैं आप लोअर और टी शर्ट ही पहन के जाएँ तो बेस्ट रहेगा। गर्मी का मौसम भी है, आपको वहाँ पर कपड़े उतारने पड़ेंगे तो कोई दिक्कत ना हो, तो आप लोअर टी शर्ट पहन के जाए, बिल्कुल फिट रहेगा आपके लिए। अब री मेडिकल वाले क्या करें, तो री मेडिकल जिसको मिला है तो भाई वो सबसे पहले अपने, मैं बता रहा हूँ कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, वहाँ से आपको जो प्रॉब्लम है आप उसको ले लिखवा लीजिए और आप दोबारा ई मेडिकल यहाँ करवाते हैं तो बस उसी के ऊपर करवाइए। वहाँ पर भी आप जाते हुए ना ज़्यादा फोकस मत करिए कि मुझे यही प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, ऐसा आप ज़्यादा मत कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल होकर जाइएगा, फ्रेश माइंड होकर, ठीक है। आप ज़्यादा अपने ऊपर लोड मत लीजिएगा, जो टेंशन मत लीजिएगा, तो आपका री मेडिकल की नौबत आएगी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बच्चे निकल रहे हैं तो वो नौकनी और फ्लैट फूड में ही ज़्यादातर निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे री मेडिकल जो होता है इसमें से 90% जो बच्चे होते हैं बाद में इनको फिट कर दिया जाता है। तो 90% बच्चे जो हैं फिट कर दिया जाता है, लेकिन आपको क्यों 90% में आना पड़े, 100% में क्यों आपको री मेडिकल मिले, तो इससे अच्छा है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लें, अपने आपको बिल्कुल हल्के में ईजी फ्रेश माइंड होकर जाइएगा। और री मेडिकल से यही बचने का उपाय था। और आपको जो री मेडिकल मिलता है इसको एमएच कहते हैं, एमएच आपको मिलता है तो उसमें जो 90% तो करीब बच्चे पास कर ही दिए जाते हैं, बट उसमें जो 10% बच्चे होते हैं उनके कुछ ज़्यादा ही केसेस होते हैं, तो उन्हीं बच्चों को यहाँ पे बाहर होता है, कोई ये आर्मी का मेडिकल नहीं है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं होने वाला, बट आपको यहाँ पर इतना जो टेंशन, इतना जो प्रेशर मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप पर, इतने ग्रुप्स हैं मेरे, तो उसमें ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, यार मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है कि आएगा कि नहीं आएगा, मेरा मेडिकल होगा कि नहीं। तो बच ऐसा कुछ भी होने वाला, इतना टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड होकर जाइए। आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर जाएंगे फ्रेश माइंड से, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपका 50% जो है वो आप अपने आप ही क्लियर कर लेंगे, आपको वहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, और बाकी आपका लक तो आपके साथ है ही।
तो आप भी अपने लक और अपने कंसंट्रेट और रहिए अपने माइंड को, दोनों के भरोसे जाइए और आप 100% सफल होंगे, मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे होगा क्या कि मेरी जो भी नई वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी और आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जाइए और नीचे वहाँ पर कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई वहाँ पर 100% आपको ज़रूर मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो चलते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।